हाय एवरीवन वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर वन डिस्कस किया था टुडे वी आर डिस्कसिंग टेस्ट टू व्हिच विल बी कंटेनिंग चैप्टर पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स ठीक है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन से यू विल गेट योर फाइल लिंक डाउनलोड कीजिए हो सके तो प्रिंट लीजिएगा एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन सबसे पहले एम से शुरू करते हैं

ठीक है बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आपके कुछ कंसेप्ट बीच बीच में मैं डिस्कस कर लूँ ठीक है ओके okay. तो ही हैज़ परचेज अ बिल्डिंग इन जून 2017 फॉर पर्सनल पर्पस देखिए जो लैंड परचेज किया है उसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है और बाद में इन्होंने अपनी बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया फ्रॉम जून 19 ऑनवर्ड्स अब हम लोग बिल्डिंग के बारे में जानते हैं अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन याद है सेक्शन 43 वो ये कहता है कि बिल्डिंग के बारे में वो ये कहता है कि सेक्शन अगर याद नहीं है ना तो इट्स ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यू शुड नो द प्रोविजंस ठीक है प्रोविजंस हमें अच्छे से आने चाहिए कि इन केस अगर हमने बिल्डिंग पहले परचेज की थी पर्सनल पर्पस के लिए और हम अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो उसके ऊपर हम डीम्ड डिप्रिसिएशन लगाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज डेट शुरू से ठीक है स्पेसिफिकली पुट टू यूज डेट तो इस केस में हम लोग जून 17 से डेप्रीसीन लगाते हुए जाएंगे तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं 2017 और 18 के लिए 2018 और 19 के लिए अभी दो साल का डेप्रीसीन लगेगा जब तक ये पर्सनल भी थी तभी भी हम लोग डीम डेप्रीसीन लगाएंगे और 2019-20 में जब आपने इसको बिजनेस में ट्रांसफ़र कर लिया तब आप इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालिए और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाइए क्वेश्चन ये आता है कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना तो है 10%. तो प्लीज फॉलो द जनरल रेट फॉर बिल्डिंग याद है आपको जनरल रेट क्या टेन परसेंट तो टेन परसेंट के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिफ्टीन लाख पर पहले सेवनटीन एटीन में टेन परसेंट डेप्रीसिएशन और क्या टेन परसेंट लगाना है हाफ डेप्रिसिएशन लगाना है डिपेंड करता है कि आपने इसको कब पुट टू यूज किया था पुट टू यूज़ की नई डेट है तो आप एक्वायर की डेट को ही पुट टू यूज मान लेते हैं तो जून 17 में किया था ऑब्वियसली यहाँ पे 180 एटी डेज से ज़्यादा ही आएंगे तो आप फुल डेप्रिसिएशन लगाइएगा तो 17, 18 एंड 18, 19 का डेप्रिसिएशन आएगा 10 परसेंट फिर टेन परसेंट रिटर्न ऑन वैल्यू से जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट अप्रैल 19 को मतलब इस साल जो हमारा जिस साल बिजनेस हमने स्टार्ट करा उस साल की रिटर्न ऑन वैल्यू ओपनिंग वैल्यू लेंगे और फिर उसके ऊपर डिफिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हूं स्टूडेंट का दिस वन ओके हम लोग अप्रैल 19 में अप्रैल uh, 1920 में मैं बोल सकता हूं कि 1920 में हमने जब इसको बिजनेस में एक्वायर किया तो इसके ओरिजिनल कॉस्ट फिफ्टीन लाख थी दो साल का डेप्रिसिएशन लगाई है दैट इज कॉल्ड डीम्ड डेप्रीसिएशन पहले 10 परसेंट फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर 10 परसेंट स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लेना है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लेना है ठीक है स्ट्रेट लाइन मेथड लेते हैं क्या हम लोग पीजीबीपी में आंसर इज जनरली नहीं नहीं लेते बट अगर इन केस पावर जनरेटिंग यूनिट्स हो तो उनके लिए एस हम लोग लेते हैं ठीक है उनके पास तो ऑप्शन होता है डब्ल्यू का भी तो दो साल का डेप्रिसिएशन लगाइए ये वैल्यू आपकी तब आएगी जब आपने बिजनेस में ट्रांसफर किया और इस साल का डेप्रिसिएशन फिर टेन लगेगा तो ट्वेल्व लाख फिफ्टीन थाउजेंड के ऊपर टेन परसेंट आप लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर टू एक्स जेड एसोसिएट्स प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अच्छा क्या पीजीबीपी में हम लोग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं येस सेक्शन 145, 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग का पीजीबी के बारे में क्या कहता था असेसी कैसा फॉलो कर रहा है अगर वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो प्लीज उसकी इनकम टैक्स भी कैश सिस्टम के हिसाब से कीजिए अगर वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वी फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम बट इन दिस केस स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैश सिस्टम अच्छा अगर साइलेंट होता है क्वेश्चन तो फिर क्या लेते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ठीक है ओके okay. इन्होंने कस्टम ड्यूटी पे करी है हमारे असेसमेंट इवेंटी ट्वेंटी वन से रिलेटेड है ऑन फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी को और इनकम टैक्स पे किया है असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी से रिलेटेड है एटी फोर थाउजेंड इस साल सिक्सटीन सिक्स टू थाउजेंड नाइनटीन को और पूछा गया है कि कितना अलावेबल हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स देखकर ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इनकम टैक्स कैसे अलाउ हो सकता है सेक्शन याद है क्या आपको सेक्शन फोर्टी स्मॉल फिर मैं कहूंगा सेक्शन अगर याद नहीं है तो इट्स ओके ठीक है बट इतना जरूर पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स तो कभी भी अलाउ नहीं होता तो इनकम टैक्स को तो हम अलाउ ही नहीं कर सकते क्या, क्या कस्टम ड्यूटी अलावेबल होती है आंसर इज येस ठीक है हमारे एक रेसिडरी सेक्शन है सेक्शन 37 30 से लेकर 30 से लेकर 37 में एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं पीजीबीपी में और सेक्शन 37 में कस्टम ड्यूटी या अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस अलाउ होते हैं बिकॉज बिजनेस एक्सपेंस है ठीक है रेवेन्यू नेचर का है तो सेक्शन थर्टी में ये अलाउ होते हैं ठीक है बट क्योंकि ये हमने पे किया है आफ्टर द प्रीवियस ईयर थर्टी मार्च ट्वेंटी के बाद थर्टी मार्च 2020 के बाद पे किया है और आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम इसको इस साल तो अलाउ नहीं करेंगे फिर कब अलाउ करेंगे फिर हम इसको नेक्स्ट ईयर अलाउ कर सकते हैं जब कभी भी ये पे हुआ है तब ये अलाउ हो जाएगा इस साल ये अलाउ नहीं होता है अगर ये मर्केंटाइल सिस्टम होता तो हाँ अलाउ हो जाता बट एक और सेक्शन है उसको तो मैं चाहूंगा कि आप उसको नंबर के साथ याद करिएगा सेक्शन फोर्टी बी वो ज़रूर याद देखिएगा वो सेक्शन पीजीबीपी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें से फोर्टी थ्री भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और भी हैं फोर्टी ए टू फोर्टी ए थ्री भी बट फोर्टी थ्री बी ठीक है फोर्टी ए थ्री याद है आपको टेन थाउजेंड से ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं चलेगी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठीक है बट फोर्टी थ्री बी जरूर आप लोग देखिएगा एक बार ओके क्वेश्चन नंबर थ्री आयुष एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म वॉट वॉज डिजोल्व ऑन वन फाइव नाइनटीन ओके एक पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व हुई और इन्होंने एक मशीन एक्वायर की थी थ्री थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड की जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने पार्टनर्स को डिजोल्यूशन पर ओके कैपिटल गेन का क्वेश्चन है सेक्शन है फोर्टी फाइव फोर जब पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व होती है और अपने पार्टनर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है उस समय हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते हैं मार्केट वैल्यू ठीक है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर पूछा क्या गया है वट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर है फेयर मार्केट वैल्यू टू फिफ्टी नहीं फोर लाख ,00 क्या चीज़ है पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार द वैल्यू ऑफ द मशीन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक वैल्यू तो टू फिफ्टी है बुक वैल्यू नहीं लेनी है कौन सी लेनी है मार्केट वैल्यू फोर लाख वुड बी द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फोर डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक प्लान मशीनरी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फिफ्टीन परसेंट था वन फोर नाइनटीन को थ्री ट्वेंटी की थी ओपनिंग वैल्यू थ्री ट्वेंटी है सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की गई है फिफ्टी थाउजेंड की एक्वायर हुआ था वन नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन को थ्रू अकाउंट पे चेक चलिए अच्छी बात है पचास हज़ार की मशीन थी अकाउंट पे चेक से ही परचेस करनी चाहिए और पुट टू यूज़ हुआ है वन इलेवन नाइनटीन को वन इलेवन नाइनटीन को बोले तो हाफ डिप्रिसिएशन लगेगा नवंबर के बाद आप देखेंगे वन डेज से कम आएगा हाफ डिप्रीसीिएशन करिएगा इसको पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेच दिया गया टू लाख रुपी का डेप्रिसिएशन डेप्रीसिएक्शन थर्टी टू लगा दीजिएगा फॉर्मेट क्या होता है ओपनिंग वैल्यू लिखिए ओपनिंग डबल्यू डी कितना था एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना था ओपनिंग वैल्यू लिखिए एडिशन ड्यूरिंग द ईयर लिखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं ठीक है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर लिखिएगा लेस कीजिएगा मनी रिसीव ऑन सेल ठीक है जितना मनी रिसीव हुआ है और आपके पास अगर वैल्यू आ जाए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लोग लगाइएगा क्योंकि पूरा ब्लॉक बेचा या पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है पूरा ब्लॉक बेच देते तो फिर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाते तो उस केस में तो कैपिटल गेन या लॉस आ जाता है सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है बट यहां पर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा है तो आप डेप्रिसिएशन लगाइएगा आपके पास वैल्यू मिलेगी जिसमें से फिफ्टी थाउजेंड की वैल्यू के ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगाना और बाकी के ऊपर फुल लगा देना सोल्यूशन एक बार दिखा दू मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ था ना ये देख लीजिएगा ओपनिंग डब्ल्यू डी वी थ्री ट्वेंटी मशीन परचेज़ की गई फिफ्टी थाउजेंड की सेल हुआ टू लाख ,00 का आपके पास बचा वैल्यू वन 170 वन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाइएगा वन सेवेंटी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा फिफ्टी थाउजेंड की जो मशीन इस साल परचेज़ करी थी उसके ऊपर तो हाफ़ आएगा फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर देखिए स्टूडेंट ने हाफ लगाया हुआ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और बाकी का वन ट्वेंटी जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन लगाइएगा फिफ्टीन परसेंट टोटल डेप्रिसिएशन आएगा ट्वेंटी वन सेवन फाइव जीरो ओके ओके क्वेश्चन नंबर फाइव मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल याद आता है कोई सेक्शन प्रिजमटिव इनकम का ठीक है फोर्टी फोर ए ई ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920. ट्वेंटी कंप्यूट इज इनकम अंडर सेक्शन फोर्टी देखो लिखा भी है यहां पर फोर्टी फोर ठीक है आपका होमवर्क में दे रहा हूं फोर्टी 44AD और फोर्टी दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार क्या निकालना है इसमें हमें कंप्यूट इज इनकम अंडर फोर्टी फोर ए ई फोर्टी फोर ए में हम लोग व्हीकल्स के ऊपर प्रिजमटिव इनकम लेते हैं अगर वो लाइट गुड्स व्हीकल हैं ट्वेल्व थाउजेंड टनस की कैपेसिटी से कम है तो उनके लिए सेवनटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ पर व्हीकल होता है और अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल हैं जिसका वेट अब वेट के हिसाब से देखते हैं ट्वेल्व थाउजेंड से ज़्यादा है तो फिर हर वन थाउजेंड टनस के लिए रुपीज़ वन थाउजेंड ही लेते हैं ठीक है रुपीज़ वन थाउजेंड पर मंथ ठीक है पर

तो अप्रैल पूरा लेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे बारह महीने बने बनेंगे तो आपका ये जो लाइट गुड्स व्हीकल है दो व्हीकल्स हैं हर व्हीकल के लिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड की इनकम ठीक है इनटू पूरे बारह महीने के लिए इनटू ट्वेल्व आ जाएगा ये तो लाइट गुड्स व्हीकल का आ जाएगा हैवी गुड्स व्हीकल कितने आएगा फा फिफ्टीन थाउजेंड ग्रॉस व्हीकल वेट है हेवी गुड्स व्हीकल है कितना लेंगे इसके लिए हम लेंगे दो व्हीकल्स हैं दो व्हीकल्स इंटू फिफ्टीन इंटू वन थाउजेंड फिफ्टी इंटून समझ गए लेते हैं 15 1000 इतनी वैल्यू आ जाएगी, एक महीने के लिए कितने महीने हुआ यहां पर ट्वेंटी है तो ऑगस्ट भी कंप्यूट करना है आपको इंक्लूड करना है तो ऑगस्ट के बाद आपके मंथ बनेंगे ऑगस्ट से अक्टूबर आठ महीने बनेंगे तो इंटू एट कर दीजिएगा ठीक है ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी सॉल्यूशन देख लें फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड आंसर आ रहा है कैसे किया हैवी गुड्स व्हीकल का एट एट मंथ्स बने ना? 8 2, 2 थे एट इंटू टू दो व्हीकल्स थे इंटू फिफ्टीन इंटू वन थाउजेंड क्लियर है और अदर व्हीकल का टू व्हीकल्स थे पूरे बारह महीने के लिए साढ़े सात हजार तो चार लाख बीस हजार आपका टोटल आ रहा है ठीक है हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सी लिमिटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशूड जीरो कूपन बॉन्ड्स ओके जेड सी बी जानते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता बट एक्चुअली इंडायरेक्टली इंटरेस्ट मिल मिल भी जाता है कैसे ये फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं और इशू होते हैं डिस्काउंट पर ठीक है ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं और जितना डिफरेंस होता है वो एक्चुअली इन्वेस्टर का फ़ायदा है और इशूअर के एक्सपेंस है तो ईशर के एक्सपेंस हम लोग इसको सेक्शन 36 में उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह मानते हैं और उसको अलाउ करते हैं और ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स की लाइफ के ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं तो इसको इशू किया गया 1819 को 45 फाइव का इसकी फेस वैल्यू 100 थी देखो एक बॉन्ड 45 का इशू किया कंपनी ने फेस वैल्यू 100 है इसका मतलब वो 100 रुपीज पर रिडीम करेंगे तो कंपनी को कितना एक्सपेंस हो जाएगा 100 पे रिडीम करेंगे 45 पैसे लिए थे इशू किया था 45 पर तो 55 का एक्सपेंस हो जाएगा कंपनी का और ये 55 का एक्सपेंस आप स्प्रेड कर दीजिएगा इसकी लाइफ के ऊपर इसकी लाइफ है 125 ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है तो एक महीने की कॉस्ट आ जाएगी आपकी फिफ्टी फाइव रुपीज़ डिवाइड बाई वन एक बॉन्ड की कॉस्ट एक महीने की कितने बॉन्ड्स है? हैं फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करिएगा एक महीने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक महीने की कॉस्ट ठीक है सब लोग समझ गए फिफ्टी फाइव डिफरेंस डिवाइड बाय वन ट्वेंटी फाइव मंथ लाइफ हो गई एक महीने की कॉस्ट इनटू फिफ्टी थाउजेंड टोटल एक महीने की कॉस्ट आएगी पचास हजार की पूछा क्या है सेक्शन थर्टी सिक्स करते हैं इंटरेस्ट की बारह महीने में में की डिडक्शन मिल जानी चाहिए बट प्लीज ध्यान दीजिए इसको हमने इशू किया था ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में तो अगर इशू किया है तो आठ महीने बनेंगे तो प्लीज इसको एट से मल्टीप्लाई कीजिएगा ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा ठीक है देख लीजिएगा सॉल्यूशन 100 माइनस फोर्टी ये एक्सपेंस आ गया लाइफ के पूरी लाइफ के ऊपर स्प्रेड कीजिए डिवाइड बाय 125 ट्वेंटी एक महीने की कॉस्ट आई गई इंटू एट मंथ्स इस साल के एट मंथ्स के लिए आ गया एक बॉन्ड की कॉस्ट इंटू फिफ्टी सभी बॉन्ड की वैल्यू आ गई इस कॉस्ट आ गई वन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का एक्सपेंस हम अलाउ कर सकते हैं अलावेबल एक्सपेंस है ठीक है अच्छा क्वेश्चन था जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इट सेज अंडर सेक्शन फोर्टी एट थ्री विच ऑफ फॉर एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड वुड बी एडमिसिबल एज डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम फोर्टी एट थ्री में टेन थाउजेंड से ऊपर की पेमेंट नहीं होनी चाहिए पच्चीस हजार पे करें ट्रांसपोर्टर को ये तो अलाउड होता है ट्रांसपोर्टर को आप थर्टी फाइव थाउजेंड तक पे कर सकते हैं ये तो अलाउड है बी कहते हैं फाइव थाउजेंड पे करें हैं डीलर को मॉर्निंग में सिक्स थाउजेंड पे करें इवनिंग में पूरे दिन का एग्रीगेट कीजिए पूरे दिन का एग्रीगेट किया 5000 प्लस 6000 ये तो 10000 से ऊपर आ गया इसको अलाउ मत कीजिएगा सी कहता है 40000 थाउजेंड से पेमेंट करिए अलाउड है, है 9000 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो तो अलाउड हो जाएगा तो बी इज आंसर हेयर क्वेश्चन नंबर एट सेस मिस्टर शुभम सोल्ड हिज ओल्ड रेसिडेंशियल हाउस इन अप्रैल एटीन फॉर ट्वेंटी लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर हुआ है एट फोर्टी का ओके ये हुआ था अप्रैल एटीन में हमारे वाले प्रीवियस ईयर से भी पहले इन दिसंबर एटीन ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस वर्थ रुपीज फाइव लाख इन्होंने क्या किया होगा 840 का जब इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया होगा रेसिडेंशियल हाउस बेचा रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया और इन्होंने 54 के की एग्जामेशन ले ली होगी तो इनके पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा होगा वो थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड का बचा होगा ठीक है द न्यू हाउस was, however, sold सोल्ड इन 19 for फॉर 14 lakh. लाख अब देख देखिए जो आपने नया घर खरीदा है एग्जामेशन क्लेम करी आपको तीन साल तक घर रखना था तीन साल से पहले ही बेच दिया एग्जामेशन विड्रॉ करेंगे और एग्जिम्शन कैसे विड्रॉ करेंगे जब नए घर के लिए जब ये नया घर के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे एग्जिमशन क्लेम्ड अर्लियर ठीक है अच्छा कितने का बेचा 14 लाख का स्टैंप वैल्यू 12 लाख थी ठीक है फिर स्टैंप वैल्यू से ज़्यादा का बेचा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टेंप वैल्यू से भी कम का बेचा होता तो हम स्टैंप वैल्यू लेते हैं सेक्शन फिफ्टी सी फिफ्टी सी कैपिटल गेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर आप उसके क्वेश्चन एग्जाम्स में देखते हो वट विल बी द अमाउंट ऑफ टेक्सीबल कैपिटल गेन इन देंड्स मिस्टर शुभम फॉर असेसमेंट इन नाइनटीन और ट्वेंटी दोनों साल का पूछ लिया तो यहां पर इनका 840 फोर्टी ग्रॉस कैपिटल गेन आया था 5 लाख ,00 की इन्होंने एग्जम्पन ले ली होगी तो 340 का तो उस साल बन गया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके बाद नया घर भी इन्होंने बेच दिया है फोर्टीन लाख ,00 का और इसकी कॉस्ट कितनी लेनी है कॉस्ट थी इसकी फाइव लाख ,00 बट आप एग्जम्पन ऑलरेडी फाइव लाख की ले चुके थे एग्जम्पन माइनस कीजिएगा तो कॉस्ट आ जाएगी नल तो फोर्टीन लाख ,00 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा ठीक है तो आई बिलीव आप लोग कर लेंगे ये तो 340 का लॉन्ग टर्म उस साल और इस साल 14 लाख ,00 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म है पार्टनरशिप फर्म के पास टर्म कैपिटल गेन ऑफ थ्री पॉइंट फाइव लाख फर्म ने प्रॉपर्टी बेच दी थ्री पॉइंट फाइव लाख की सॉरी उस पर कैपिटल गेन आया थ्री पॉइंट फाइव लाख कैन द फर्म और पार्टनर्स क्लेम एग्जाम अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर क्या पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकती है एग्जाम्शन फिफ्टी फोर और क्या पार्टनर्स भी कर सकते हैं दोनों ही गलत हैं फर्म क्यों नहीं कर सकती बिकॉज सेक्शन फिफ्टी फोर इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एच यू एफ तो पार्टनरशिप फर्म इसलिए नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके वो एलिजिबल एस एस नहीं है क्या पार्टनर्स कर सकते हैं पार्टनर्स का तो कैपिटल गेन ही नहीं आ रहा दे आर नॉट द ट्रांसफरर वो लोग ट्रांसफरर ही नहीं है तो वो लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं बिकॉज कैपिटल गेन इज अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन दिस केस तो पार्टनर्स भी नहीं कर पाएंगे इस केस में और फर्म के लिए तो एलिजिबल ही नहीं होती है तो आंसर क्या आने वाला है इसका ये सर येस तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी ये तो क्लेम कर ही नहीं सकते सी आंसर क्या कहते हैं नीदर द फर्म नॉट द पार्टनर्स कैन क्लेम हाँ ये ठीक लग रहा है एज द सेट डिडक्शन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ये भी सही नहीं है बिकॉज फिफ्टी फोर की एग्जाम्शन तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मिलती है डी पॉइंट कहते हैं फर्म कैनॉट क्लेम एग्जाम्शन फिफ्टी फोर एज द सेट डिडक्शन इज़ अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल अचीव बिल्कुल ठीक बात है फर्दर द पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम डिडक्शन एज अ ट्रांसफरर इन दिस केस इज़ पार्टनरशिप फर्म ठीक बात है बिल्कुल क्योंकि ट्रांसफर तो पार्टनर्स नहीं है ना फर्म है तो फर्म ही क्लेम कर पाएगी बट फिफ्टी फोर के लिए वो एलिजिबल नहीं होती तो आंसर इज डी ओवर हेयर ठीक है तो अभी हम लोग इतना रखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन तक प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड कीजिए और हम अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में Till then, thank you so much. Bye bye and take care.